जहाँ तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि बिस्तर से नहीं उठना। और ये समीरा कहाँ? मैंने उसकी जिम्मेदारी लगाई थी कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। सोने दे उसे बाबा, थकी होगी, सारा दिन हमारी खिदमत करती है, रहने दे। तुम्हें सबका बहुत ख्याल है ना, अलावा अपने बाबा की बातों का। अब तो तुम मेरी बात भी नहीं सुनती, अपने आप को देखो, अपना ख्याल नहीं रखती। बादशाह बेगम जो बन गई हो, अब तुम मेरी क्यों सुनोगी? इतने दिनों बाद इस बादशाह बेगम के टाइटल से जान छुटी है, वापस अपने घर आई हूं, जहाना की तरह। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं खुश हूं? अच्छा लगता है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? लेकिन मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा तुम्हारी बेहतरी अजीज है जा रहा। कैसी बेहतरी बाबा? मैं किसी भी बेहतरी के लायक नहीं हूं, मैं तो बादशाह बेगम कहलाने के भी लायक नहीं। यह एहसास मुझे नहीं देना चाहिए। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी जा रहा। अच्छी तरह जानती हो ना कि बादशाह बेगम की जुबान पे ये बातें जचती नहीं है। This doesn't go with you and your responsibility. नहीं बाबा, जो औरत अपने खुद के इमोशंस पे काबू नहीं रख पाती वो क्या बादशाह बेगम कहलाएगी? आपके लाख मना करने के बावजूद मैंने शामिर को फोर्स किया कि वो ऐलान करे। मैं ये सब सुनने को तैयार नहीं हूं। यह एहसास तुम्हें मैंने नहीं, कुदरत ने दिया है। मेरा यकीन करो, और अगर तुम कुछ गलत करना चाहो और कुदरत तुम्हें ऐसा करने से रोक दे, तो भला इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि कुदरत तुम पर मेहरबान है। शामिर ने अब तक ऐलान नहीं किया है। बस तुम परेशान नहीं हो, आराम करो। हाँ, रोशन आरा पे नजर रखो। रोशन आरा को भी अब अपनी पहली जिंदगी बुलानी पड़ेगी। ख्याल रखना।